राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दूरदर्शन कार्यक्रम मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दिलवाते हैं किसी नए विषय पर एक्सपर्ट से, और इसी क्रम में हमारा आज का विषय है सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भपात। और इस विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन परिवार नियोजन के उप महाप्रबंधक डॉक्टर पंकज सक्सेना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं इन फोन नंबर्स के जरिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-228-8698, 0522-407-6802, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। दर्शकों, आप हमें फोन जरूर करें, लेकिन उसके पहले इतना ख्याल रखें कि अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें, जिससे हम आपकी आवाज को स्पष्टतया सुन सकें। और इसके साथ ही हम बातचीत करते हैं सर आपसे, जब तक दर्शकों के फोन आते हैं, जैसा कि लाइव फोन इन प्रोग्राम है हमारा, तब तक आप हमें बताइए कि गर्भपात अधिनियम क्या है। हाँ, आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में कुल 65 लाख जो है गर्भपात होते हैं, और जिसमें से लगभग 50% के लगभग जो है वो असुरक्षित गर्भपात हैं। और उस वजह से असुरक्षित गर्भपात के कारण जो मात मृत्यु दर है, तो इसमें ये बहुत बड़ा कारक है, तीसरा बड़ा कारक है जिसकी वजह से मात मृत्यु दर होती है। 8% होने मात मृत्यु दर में जो 8% मौतें जो है वो असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। तो इस हिसाब से इन गर्भपात को असुरक्षित गर्भपात ना हो, और इसके अंदर कुछ नियम बनाए जाए कि जिसकी वजह से तो गर्भपात जो है सही जगह पे सही प्रशिक्षित लोगों द्वारा की जाए, और जिसकी वजह से मात मृत्यु दर में कमी ला सके। इस वजह से ये एक्ट जो था बनाया गया था, और ये एक्ट जो है 1971 में बना था। उसके बाद इसमें 2002 में जो था इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, 2003 में जो था इसको रूल्स, और 2003 में ही रेगुलेशंस इसके लिए लाए गए। तो आज की तारीख में जो है ये एक्ट प्रदेश में पूरी तरीके से प्रभावी है। तो गर्भपात की वजह से जो मात्र मृत्यु दर थी उसको कम करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। और सर, जब बात होती है किसी अधिनियम की, तो ये भी जान लेना जरूरी होता है कि किन स्थितियों में गर्भपात कराना वैधानिक है। हाँ, जब एक्ट की व्याख्या की गई तो एक्ट के अंदर चार चीजें जो थी, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में इस्तेमाल करूंगा, कि चार स्थितियां ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो था इसमें दी गई है कि इन चार परिस्थितियों में जो है गर्भपात कराना जो है वैधानिक है। सबसे पहला है थेरेप्यूटिक, जिसके कहने की इलाज के लिए। दूसरा पॉइंट है यूजेनिक्स, मतलब कि जिसमें किसी प्रकार से होने वाले अगली जो हमारी पीढ़ी है उसमें विकृति की वजह से। तीसरा पॉइंट जो है वो आपका जो है ह्यूमेटेरियन है, मतलब कि मानवीय आधार। और चौथा पॉइंट है वो सोशल है। अगर हम एक एक की बात करें तो थेरेप्यूटिक के अंदर सबसे पहली चीज ये है, थेरेप्यूटिक हो गया इलाज के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा गर्भधारण या ऐसी गर्भावस्था जिसमें एक माता के स्वास्थ्य को खतरा हो, या उसकी वजह से मां के मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना, वो स्थिति। यूजेनिक्स का मतलब ये है कि गर्भस्थ शिशु के अंदर कुछ जन्मजात विकृति या कुछ आनुवंशिक रोग ऐसे हो कि जिससे होने वाले जो संभावित शिशु है वो ऐसी विकलांगता का शिकार हो कि जिसकी वजह से उसका जीवन जो है वो कठिन हो जाए, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है ह्यूमेटेरियनकरण। ह्यूमेटेरियनकरण में मानवीय आधार पर ऐसी परिस्थितियां कि जहां पे कि किसी जबरदस्ती तरीके से संबंध बनने की स्थिति में गर्भ ठहर जाए। चौथा पॉइंट जो है आपका सोशल है, वो उस स्थिति में कि जहां पे की महिला या अपना दंपत्ति जो है स्वेच्छा से था गर्भनिरोधक साधनों का प्रयोग कर रहा था, और किसी वजह से वो गर्भनिरोधक साधन फेल्योर हो गए, तो उस गर्भनिरोधक साधन के फेल्योर होने की वजह से अगर गर्भ धारण होता है तो उसमें मां को जो है मानसिक क्षति होने की होती है। यहां पे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहती थी, ये भी गर्भपात से जुड़ा हुआ है। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि गर्भपात कराना गैर कानूनी है। एक तरफ लोग सरकार बात करती है कि गर्भपात मत कराइए, और दूसरी तरफ हम सुरक्षित गर्भपात की बात करते हैं, तो उसके लिए कानून भी बनाए जाते हैं, तो ये सर समझ में नहीं आता सर इसी बात से। जी, देखिए, गर्भपात कराना गैर कानूनी नहीं है। पहली चीज तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाइए कि गर्भपात के लिए जो है, गर्भपात कराने के लिए 20 हफ्ते तक का गर्भपात जो है उसको कराने के लिए ही ये अधिनियम बना है कि 20 हफ्ते तक। लेकिन उसमें परिस्थितियां यही चार होनी चाहिए कि इन चार परिस्थितियों की वजह स्थितियों में ही गर्भपात कराया जाता है। इसके अलावा किन्हीं और परिस्थितियों में अगर आप गर्भपात कराया जा सकता है तो वो अवैधानिक है, मतलब फिर वो अवैध गर्भपात की श्रेणी में आएगा।
फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किन स्थितियों में वैधानिक है, आपने चार स्थितियां बताई जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें गर्भपात की विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, गर्भपात की विधियां जो होती हैं वो हम लोग के जो होता है, जब भी गर्भपात की बात करते हैं तो 20 हफ्ते तक हमारे तौर पर वैधानिक रूप से हम कोई भी महिला 20 हफ्ते तक जो है अपने गर्भपात हो सकता है। अब विधियों में है तो आप जो है दो तरीके के मैटर्स होते हैं, एक मेडिकल मैटर्स होते हैं, एक सर्जिकल मैटर्स होते हैं। 12 हफ्ते तक के लिए जो होता है वो अलग मैटर्स हैं, 12 से 20 वीक के लिए अलग मैटर्स हैं। 12 से 20 के अंदर एक मेडिकल मैटर्स ऑफ एबॉर्शन है कि जिसमें कि दवाइयों के द्वारा जो है, अगर आपको दवाइयां दी जाती हैं तो उनके द्वारा भी आपका गर्भपात हो सकता है, लेकिन ये स्थिति केवल 7 वीक तक ही दवाइयों के लिए मान्य है। कि आप 7 वीक तक का अगर किसी का गर्भ है तो उस स्थिति में जो है आपका 49 दिन का, तो उसमें आपको दवाइयां दी जाएंगी तो उससे गर्भपात हो सकता है, मेडिकल मैटर। उसके बाद में अगर नहीं होता है 7 वीक से लेकर आपका 12 वीक तक का जो समय है उसमें जो है सर्जिकल मैटर्स है, उसमें दो मैटर्स है, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, मतलब कि जिसमें कि हाथ से जो है आपका नेगेटिव प्रेशर बना के जो आपका कॉन्सेप्चर्स है उसको जो है बाहर निकाला जाता है, और इलेक्ट्रिकल वैक्यूम, मतलब एक में मैनुअल वैक्यूम है, एक में इलेक्ट्रिकल वैक्यूम है, तो एक दो मैथड है। सभी मैथड्स साथ साथ सुरक्षित हैं, सारे मैथड सुरक्षित है, लेकिन हर एक मेथड के साथ में अपने कुछ पहले से क्राइटेरियाज होते हैं कि किस मेथड के समय पे कौन सा मेथड अपनाया जाएगा। और इसी तरीके से 12 से 20 वीक के बीच में है तो 12 से 20 वीक में भी जो है आपका जो है पुराने जमाने में जिसको आप कहते हैं कि MTP है, तो वो है एक मेथड, और दूसरा मेथड उसमें भी दवाइयों के माध्यम से, लेकिन उसमें दवा ये जो 7 वीक वाली दवा है वो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती है। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं, अभी बात को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा क्योंकि अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आप कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DDUP। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भपात के बारे में, और इसके जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। सर, हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की विधियों की, गर्भपात की कौन कौन सी विधियां हैं। अब बात आती है कि गर्भधारण के बाद यदि गर्भपात कराना हो तो कितने समय तक ये करा लिया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित भी हो और जो होने वाली माँ है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। अधिनियम के अनुसार अब 20 हफ्ते तक के लिए गर्भपात जो है वो कराया जा सकता है जी। हाँ, बात यह है कि गर्भपात कराने के लिए आपको जो है सुरक्षित हाथों में होना चाहिए जी, बिल्कुल। अगर आप असुरक्षित अप्रशिक्षित हाथों में हैं तो आपके लिए जो है वो असुरक्षित गर्भपात हो जाएगा जी। तो उसके लिए देखना चाहिए, तो किसी भी समय आप अगर सुरक्षित हाथों में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता से या मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर से और सही जगह पर आप कराते हैं तो ये सुरक्षित हो, 20 हफ्ते तक के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्वालिफाइड डॉक्टर हो, सुरक्षित हाथों में ही जाएं। और इसके साथ सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हरदोई से हरिओम जी हमारे साथ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं हरिओम जी? हरिओम जी, आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम नहीं किया जिसकी वजह से आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही हमें ठीक से। कृपया पहले अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करें, फिर हमारे साथ प्रश्न अपना रखें। किसी वजह से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि कितने हफ्ते तक गर्भपात करा लिया जाए। इसके साथ साथ एक चीज ये भी जानना जरूरी है सर कि कौन से डॉक्टर गर्भपात कर सकते हैं, किस अस्पताल में जाना चाहिए, क्या इन सब के बारे में भी कोई नियम है? जी, जो गर्भपात के अंदर उसमें डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, MCI एक्ट है, उसके शेड्यूल 2H के अंदर इनकी डिग्रीज हैं, उस डिग्री के अनुसार जो है वही लोग कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमने जो था जितना भी गर्भपात होता है उसको दो श्रेणी बांटा गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब हुआ कि आपका शुरुआत के 3 महीने, तो 12 हफ्ते तक, और दूसरा स्थिति है कि 12 से 20 हफ्ते तक का। 12 से हफ्ते तक के गर्भपात के लिए जो है आपका जो है केवल एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन 12 से 20 के अंदर जो है आपके दो डॉक्टर्स की ओपिनियन की आवश्यकता होती है। 12 हफ्ते तक का जो गर्भपात जो किया जा सकता है या करवाया जा सकता है तो उसके लिए एक MBBS डॉक्टर जिसने कि इसके लिए स्पेशली रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो वो उसको गर्भपात करा सकती है, मतलब कि एक अबॉर्शन को वो करा सकते हैं। 12 से 20 के लिए जो है कोई भी ऐसा डॉक्टर जिसने कि इसके अंदर गायनी एंड ऑब्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, नंबर एक, या MBBS डॉक्टर जिसने इसके अंदर कम से कम 6 महीने का
इसमें हाउस जॉब किया हो या रेजिडेंसी की हो, मतलब 6 महीने का उसने उसका प्रशिक्षण किया हो। जी। इसके अलावा तीसरी स्थिति यह है कि ऐसा प्रशिक्षित डॉक्टर जिसने की ट्रेनिंग भी ली हुई हो, साथ में पिछले एक उस हॉस्पिटल में कार्य कर रहा हो जहाँ पे कि ये कार्य किया जाता हो, उसके द्वारा किया जा रहा हो। प्रशिक्षण जो होता है, जो MBBS डॉक्टर के बाद जो होता है, वो कम से कम 12 दिन का प्रशिक्षण होता है, जिसमें कि उसे 25 केस करने होते हैं, जिसमें कि वो 10 केसों को देखता है, 10 केसों में वो असिस्ट करता है और 5 केस जो है वो खुद स्वयं करता है। तब उसके बाद एक उसको दिया जाता है कि इसने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया, वही व्यक्ति जो है वो आपका कर सकता है। और सर इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, रेखा पांडे जी बहराइच से। हेलो। हेलो, नमस्कार रेखा जी, आपका क्या प्रश्न है? हमारा प्रश्न है, हम रेखा पांडे बहराई से बोले, कानन गोपुरा मोहल्ला से। जी। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे कोई महिला शारीरिक रूप से कमजोर है, उसको गर्भपात कराने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी बिल्कुल। देखिए, शारीरिक रूप से कमजोरी के अलग जगह पे अलग अलग मायने होते हैं। हाँ, अगर किसी महिला को खून की कमी है और वो 8% से कम है, तो उस स्थिति में उसको समस्याएं होंगी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गर्भपात जब किया जाता है तो उस समय कुछ मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनको देखा जाता है कि इसमें गर्भपात किया जाना सुरक्षित है, डॉक्टर की राय लेनी है। तो इसलिए उसमें चिकित्सक की राय बहुत जरूरी है कि उसी तरीके से उसमें कार्डियक डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन है, रीनल डिजीजेज हैं, लीवर डिजीज है, कुछ ऐसी परिस्थितियां कि जहाँ पे कि उसको कॉशियसली किया जाता है। और जब एनीमिया है तो फिर उसमें परेशानी होती है, क्योंकि गर्भपात किसी भी करने के बाद में रक्तस्राव होना है। जी बिल्कुल। और जिसमें अगर एनीमिया है तो ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा रक्तस्राव की मात्रा ज्यादा होगी, तो खून के जाने की मात्रा होगी, तो कमजोरी जो है वो अलग हो सकती है। अब इनका प्रश्न शारीरिक कमजोरी, तो शारीरिक कमजोरी से इनका अभिप्राय क्या था, तो ये जब तक की दिखाएंगे नहीं चिकित्सक को, तो वही बता सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ सर एक प्रश्न ये भी बनता है, यदि गर्भपात हो गया है और दोबारा गर्भधारण करने की जरूरत हो तो कितना गैप लेना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हो? इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी रिकमेंडेशन दी है कि एक गर्भपात होने के बाद में अगला गर्भधारण करने के लिए कम से कम उसके बीच में जो 6 माह का मिनिमम समय होना। जी बिल्कुल। मतलब 6 माह से पहले जो आपका गर्भपात कराने के बाद में गर्भ धारण करना उचित नहीं है। जी। और सर इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, नंद स्वरूप जी बाराबंकी से। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार नंद स्वरूप जी, आपका क्या प्रश्न है? हमारा ये कि मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है चुपते चुपते गर्भपात कराते हैं, जो किसी को जानकारी नहीं होती, और जो भ्रूण हत्याकांड भी इसमें होते हैं, तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए और किस प्रकार से इसको रोका जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न, जानना चाह रहे जागरूक पूरा समझ में जी है। वो जानना चाहते हैं कि यदि कहीं इलीगल तरीके से, हाँ, या कन्या भ्रूण हत्या की जांच किसी भी तरीके से किसी ने करा ली और उसका गर्भपात कराने के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ शिकायत करें? देखिए, दो प्रश्न अलग अलग हो रहे हैं। जी, पहला प्रश्न है कि अगर कहीं पे अवैध रूप से कोई गर्भपात कर रहा है, या मतलब कि कोई व्यक्ति अप्रशिक्षित है, या अप्रशिक्षित के साथ साथ एक ऐसी जगह पे जो कि हमारी द्वारा जो है अधिकृत नहीं की गई है, वहां पे अगर कोई गर्भपात कर रहा है, चाहे वहां पे प्रशिक्षित चिकित्सक ही हो, तो वो अवैध गर्भपात की श्रेणी में आएगा, तो उसकी शिकायत जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की जा सकती है। जहां पे की ये बात कर रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं, तो कन्या भ्रूण हत्या जो है वो PCPNDT एक्ट 1994 के तहत जो है उससे आच्छादित है। तो उस स्थिति में भी जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जिसको कहते हैं जनपद स्तरीय समुचित प्राधिकारी, और आज की तारीख में जिलाधिकारी महोदय जो है उसके वो है, तो या तो उन क्या करें, या दूसरी स्थिति में जो नोडल अधिकारी PCPNDT है CMO ऑफिस में, तो अगर किसी तरीके की दोनों शिकायतें जो है वो दोनों परिस्थितियों में शिकायतें आप CMO क्या कर सकते हैं, तो वहां से आपके प्रति उनके जैसा भी चीज होगी उसके प्रति कार्रवाई। जी अच्छा सर, ये बात हम अभी और जारी रखेंगे, लेकिन अभी फिर थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा और वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो आप फिर से कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिशन हेल्थ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और सर हमने बात की गर्भपात के बारे में कि कितने समय बाद फिर से गर्भधारण करना उचित है। यहाँ एक बात और ये भी जानने योग्य बनती है कि गर्भपात के बाद क्या गर्भनिरोध के तरीके जो भी साधन है वो तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हाँ, गर्भपात के बाद जो है तुरंत गर्भनिरोधक साधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और लेकिन वही है कि 12 हफ्ते और 12 से 20 हफ्ते के बीच में दोनों तरीके के गर्भनिरोधक साधन अलग अलग हैं। अब पहले मैं 12 हफ्ते की मैं बात करता हूँ। अगर 12 हफ्ते में शुरुआती दौर के 7 हफ्तों के अंदर मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन से जो गर्भनिरोधक हुआ है, तो उस स्थिति में सारे गर्भनिरोधक साधन जो है, जिसमें कि IUCD छोड़ के, जिसको इंट्रायूटेरिन कॉपर डिवाइस कहते हैं, उसको जो है वो लगाने में, और OCP जो होती है जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसको जो है तीसरे दिन पे
तो ओसीपी जो है आपकी तीसरे दिन पे या फिर पंद्रहवें दिन पे शुरू की जा सकती है। ऐसा होता है कि मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन के अंदर आपको तीन बार विजिट करनी होती है। पहली बार एक पहले दिन होता है जिस दिन एक गोली खिलाई जाती है, तीसरे दिन पे दूसरी गोली खिलाई जाती है, मतलब दूसरी दवा दी जाती है, और 15 दिन बाद ये देखा जाता है कि पूरी तरीके से गर्भपात हो गया, मतलब कि किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्चर जो है वो यूट्रस के अंदर तो नहीं छूटा है। तो ये तीन चीज होती है। तो ओसीपी जो है वो थर्ड डे पे या 15 डे पे शुरू किया जा सकता है। लेकिन आईयूसीडी तभी लगाई जाती है कि जब ये बिल्कुल इंश्योर हो लिया जाए कि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं बचा है। तो ये 12 हफ्ते के अंदर बात है। अगर हम बात करें आईयूसीडी यहाँ पे तो हम 15 दिन के अंतराल पे लगाते हैं कि जब देख लेते हैं अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या किसी प्रकार का कॉन्सेप्शन हो रहा है तो उसको निकालने के बाद लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये 12 से 20 हफ्ते का है और उसके वहां पे सर्जिकल मेथड से किया गया है तो हम वहां पे तुरंत लगा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपके जो है कंडोम आपका हमेशा तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्टेबल्स जो है जिसको कि अंतरा के नाम से होते हैं ये दोनों परिस्थितियों में तुरंत लगाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं, तो वो 12 हफ्ते में चाहे 12 से 20 हफ्ते में, तो ये दोनों चीज की जा सकती है। अब कोई महिला ऐसी है कि जिसका कि गर्भपात हो गया और वो ये चाहती है कि आगे मेरे बच्चे नहीं हो, तो स्टरलाइजेशन मतलब बंध्याकरण की सेवाएं या नसबंदी सेवाएं भी दी जा सकती हैं। उसमें भी उसके लिए भी रुकना पड़ता है या नहीं, तुरंत उसी की मैं बता रहा हूँ कि अगर शुरुआती दौर के 12 वीक का है तो प्रथम 7 दिनों के अंदर जो है उसको ऑपरेट कर दिया जाएगा। तो वहां पे लैप्रोस्कोपिक और जो है और मिनीलॉय विधि दोनों से कर दिया जाएगा, उसके 7 दिन के बाद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब 12 से 20 हफ्ते का है तो वहां पे भी यही चीज है कि हम करेंगे, लेकिन वहां पे हम मिनी लैब विधि से करेंगे क्योंकि उसके बाद जो फिर यूट्रस को अपने दोबारा से नवलूट होने में टाइम लगता है। जी। और सर इसी के साथ एक और हमारे साथ दर्शक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वाराणसी से सुषमा जी, हेलो। हेलो, नमस्कार सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जब बच्चा गिर जाता है तो गर्भपात हो गया तो ये सुरक्षित कैसे हुआ, और इसकी मतलब किसकी सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माँ की या गर्भस्थ शिशु की? जी बिल्कुल, सुषमा जी का सवाल था। हाँ, बच्चा गिर गया, बच्चा गिरने का मतलब ये हुआ कि आपका जो था किसी तरीके से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया। जी। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कम्प्लीट हो गया तो उसमें कोई परिस्थितियां नहीं है, लेकिन अब अधिकतर ये सारी चीजें फिर वही इसी के हिसाब से होती है कि कितने समय की गर्भ अवस्था थी, किस समय पे गिरा। अगर गर्भ अवस्था में गिरने के बाद अगर बच्चा तो था गिर गया या उसका जो था निकल गया, अगर किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट या मतलब कि कोई चीज अंदर रह गई यूट्रस में या बच्चेदानी में तो आगे की ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो उस परिस्थितियों में जो मैंने कहा था कि थेरेप्यूटिक जहां की मां की जान को खतरा हो सकता है, तो वहां पे सुरक्षित गर्भपात आपको कराना या आपको चिकित्सकीय सलाह के हिसाब से आपको दिखवाना पड़ेगा कि कहीं पे कोई कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट या कोई बच्चेदानी के अंदर कोई चीज छूट तो नहीं गई है, तो इसलिए आपको गर्भपात करना पड़ेगा। इनका दूसरा प्रश्न था कि किसकी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स उस स्थितियों में मां की सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा जो था वो जीवित होने से पहले अबॉर्ट हो चुका है, तो मां की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षित गर्भपात, जिससे कोई भी किसी भी तरह के उसके अंदर कुछ रहे ना। इसी चीज को ना तो मात मृत्यु दर को लाने के लिए था सन 2010 में सुरक्षित गर्भपात कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर ये था सारी ट्रेनिंग थी और जनता के बीच में ये सारी चर्चा के माध्यम से फैलाना था कि आज सुरक्षित गर्भपात कहाँ है। जैसे कि होता है कि कहीं कहीं बार जो गांव में जो है लोग दाई को बहुत अच्छा समझते हैं और दाई के माध्यम से कराते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं है, वो गर्भपात कर सकती है, लेकिन गर्भपात की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन और उसकी वजह से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव या उसकी वजह से बच्चेदानी का फटना, उसकी वजह से मृत्यु होती है, मतलब कई सारी वजह हैं और जो बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित। हाँ, तो वही था ना कि हमेशा कहा गया ना कि 64 लाख के लगभग गर्भपात होते हैं जिसमें से 50% होते हैं। अब गर्भपात असुरक्षित गर्भपात के पीछे के भी सोशल कारण अपने अलग हैं कि कहीं पे जोता है कि जहाँ पे कि कभी कभी कुछ परिस्थितियां और ले लेते हैं। संजय जी हैं देहरादून से, हेलो। हेलो, एक श्वास नहीं लेता जब तक वो एम्ब्रियो वगैरह ये सब कितने टाइम तक ठीक है, कितने टाइम तक वो उचित है, ठीक है ना? हेलो संजय जी, आपका सवाल पूरा नहीं मिल पाया हमें, कृपया आप दोबारा प्रश्न पूछ लें। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गर्भपात कितने टाइम तक उचित होता है, क्योंकि कई कई देशों में ये कहा गया है के 2 महीने 3 महीने बाद ये गर्भपात अनुचित है क्योंकि उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है, सांस लेना इत्यादि इत्यादि क्रिया है। कृपया अगर मेडिकल साइंस की हैसियत से बताइए कितने टाइम तक ये सुरक्षित है ताकि किसी का एक मॉडरेट सिचुएशन ना हो। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कितने टाइम तक उचित है जिससे कोई इस तरह का गिल्ट ना आए कि
जैसा कि तो इसीलिए इन सारी चीजों को परिस्थितियों को रखते ही 20 हफ्ते तक का गर्भपात जो है वो सुरक्षित उचित भी है और सुरक्षित भी है। 20 हफ्ते के बाद जो है गर्भपात में फिर परेशानी होती है क्योंकि ज्यादा बड़ा होने लगता है, ये शिशु का भी साइज बड़ा होने लगता है और चीजों की शुरुआती तीन अपना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे का जो है सीधे सीधे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे होता है। तो जहाँ मैच्योरिटी जो आती है, जो बच्चे की जो मैच्योरिटी आती है कि जहाँ पे कि बच्चा बाहर निकल के जीवित हो सकता है, तो उसके आसपास के जब होगा तो उससे पहले तक जहाँ तक है तो वो एक समय सीमा जो है जो निर्धारित की गई है वो 20 हफ्ते तक है। वैसे तो बच्चे के अंदर जो मैच्योरिटी का आने का है तो वो 26-27 वीक के आसपास शुरू होना शुरू होता है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पूरी चिकित्सकीय जांच कराई जाए और बहुत जरूरी है चिकित्सक के संपर्क में रहना, जिससे समय समय इसलिए आपने एक बात सुनी होगी ना कि अपने गांव देहात में बात सुनी होगी कि सतमासा बच्चे कम जीवित रहते हैं। जी बिल्कुल। तो सतमासा का मतलब यही हुआ कि 7 × 28 मतलब 28 वीक से पहले के बच्चों की जीवित होने की संभावना कम होती है। ऑफकोर्स मतलब यहाँ तक उस लेवल तक मैच्योरिटी नहीं पहुंच पाती है कि जहाँ तक कि बच्चे जीवित रह पाए, उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो उन परिस्थितियों की उन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत चिकित्सकीय दृष्टिकोण से 20 हफ्ते तक का ही गर्भपात सुरक्षित है और उसी को हमारे अधिनियम ने माना भी है। और डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और अब वक्त है चलते चलते का। चलते चलते में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न और जिसका सही जवाब देने वालों में से ड्रॉइंग डॉट्स के जरिए चुनते हैं एक विजेता और उसे आमंत्रित करते हैं अपने इस कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है आज का, चिकित्सकीय गर्भपात किस अस्पताल में और किस डॉक्टर से कराना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब आप हमें पत्रों के माध्यम से दे सकते हैं और उसके लिए नोट कर लें हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सुविधाओं और स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाते रहें और बनाएं एक स्वस्थ भारत। और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।